भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 1:36 से हो जाएगा, जो कि 23 सितंबर 2023 शनिवार को दोपहर 12:18 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि वृषभानु जी जब सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने गए थे, उसी समय राधा रानी का कमल के पुष्प पर प्रागट्य हुआ था। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि इस बार 23 सितंबर 2023 शनिवार को ही रहेगी। इसी दिन श्री राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। 23 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा श्री राधा रानी का पूजन अर्चन करके इसी दिन उनका प्रागट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। करोड़ों जन्मों के महापाप नष्ट करने वाला, गोलोक धाम के सभी सुखों को देने वाला सबसे बड़ा व्रत राधा अष्टमी। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 1:36 से होकर के 23 सितंबर 2023 शनिवार को दोपहर 12:18 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार वृषभानु जी जब सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर में स्नान करने गए थे, उसी समय श्री राधा रानी का कमल के पुष्प पर प्रागट्य हुआ था। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि राधा अष्टमी में ली जाती है, जो कि इस बार 23 सितंबर 2023 शनिवार को ही रहेगी। इसी दिन राधा अष्टमी का महाव्रत रहेगा तथा संपूर्ण ब्रज मंडल में, यानी बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में, नंदगांव में और वृंदावन में, गोवर्धन में तथा सभी स्थानों पर राधा अष्टमी का महापर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रख करके श्री राधा रानी का पूजन अर्चन किया जाएगा एवं किशोरी जू का जन्मोत्सव प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन को श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। उनके जन्म के ठीक 15 दिन बाद श्री राधा रानी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। हालांकि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, यानी पूरे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के 11 महीने पहले श्री किशोरी जी राधा रानी का प्रागट्य हो चुका था। तो 11 महीने बड़ी थी श्री राधा रानी जी। वैसे कहा यह जाता है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। श्री राधा रानी के जन्म दिवस के अवसर पर राधा अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्तजन व्रत रखते हैं और एक समय भोजन करके इस दिन आप व्रत रख सकते हैं या फलाहार करके भी आप व्रत रख सकते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से आपको सभी व्रतों का महापुण्य प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसको राधा अष्टमी का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा आपका जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाएगा। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की प्रियमतमा यदि कोई है तो वो श्री किशोरी जी राधा रानी है। तो इस बार राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन जो मनुष्य व्रत रखेगा उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे गोलोक धाम का सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। मंगल कामना के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अगर आपके जीवन की कोई इच्छा अधूरी है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तथा आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में कोई भी इच्छा या मनोकामना अधूरी है, तो आपको श्री राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए।
23 सितंबर को यदि आप राधा अष्टमी का व्रत रखें तो उस दिन सुबह जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। स्नान करने के बाद नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तथा हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके आप मन ही मन स्मरण करें कि आज मैं श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने जा रहा हूँ, और वह संकल्प आप श्री राधा रानी के श्री विग्रह के सामने समर्पण कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रातःकालीन वेला में श्री राधा जी का पूजन अर्चन करके उनको तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए और राधा जी का प्रागट्योत्सव जन्मोत्सव मनाना चाहिए। राधा जी को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि राधा जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है और लक्ष्मी कभी भी गर्भ में नहीं आती है, उनका प्रागट्य होता है, उनका अवतरण होता है। तो श्री किशोर जी राधा रानी का प्रागट्य हुआ है, कमल के पुष्प के ऊपर श्री राधा रानी प्रकट हुई है, इसलिए कमल का पुष्प उनको अवश्य चढ़ाना चाहिए। राधा रानी का वैसे तो प्रागट्य का समय कई ग्रंथों में और कुछ लोगों में मध्यान्ह का समय बताया है, यानी दोपहर 12 बजे का समय बताया है। हालांकि यदि आप देखें तो वृषभानु जी जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए थे उसी समय कमल के पुष्प के ऊपर राधा रानी उनको प्राप्त हुई थी, लेकिन कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में मध्यान्ह के समय उनका जन्म बताया है। इसलिए यदि आप चाहें तो दोपहर के समय, दोपहर 11:01 से लेकर के 1:26 तक आप राधा रानी के जन्मोत्सव का महोत्सव मना करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है, राधा रानी को पीला रंग अति प्रिय है। राधा अष्टमी के दिन यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, साथ ही पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, विग्रह या चित्र की स्थापना करें और श्री राधा रानी को पीले रंग के फल चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्प उनको अर्पण करें तथा उनको पीले रंग का चंदन और केसर का तिलक लगाएं, और हो सके तो इस दिन पीले रंग का प्रसाद सभी को वितरण करना चाहिए। जो भक्तजन राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं वो एक समय भोजन इसमें कर सकते हैं, यानी दोपहर के समय जब श्री राधा रानी का पूजन अर्चन आप कर लें उसके बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो दोपहर तक ही माना जाता है, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं, व्रत का पारणा कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो फलाहार करके भी श्री राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। यानी जिस प्रकार आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन आपको अधिक से अधिक आपको नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करें या फिर राधे राधे नाम आपको उच्चारण करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन जो व्रत रखते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मन को प्रसन्न रखकर ही आपको श्री राधा अष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए। और यदि आपके घर पर कोई भी याचक भिखारी आता है, जरूरतमंद व्यक्ति आते हैं तो उनको आपको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और राधा अष्टमी के दिन श्री किशोरी जी का, राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से आपको मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।